कालू बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं अब कब तक तुझे खाना बना कर खिलाऊंगी? अब तो इतनी उम्र हो गई है तेरी। माँ, मैं कर लूंगा शादी, लेकिन कोई अच्छी कौवी भी तो मिलनी चाहिए। कोई अच्छी कौवी मिल ही कहाँ रही है? आप ही मेरे लिए कोई कौवी ढूंढ दें, फिर मैं शादी कर लूंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवे की माँ को तो अपने बेटे की शादी की बड़ी चिंता थी। उसकी उम्र तो निकलती जा रही थी, कोई कभी नहीं मिल रही थी जिसके साथ वो अपनी बेटी की शादी करे। कुछ समय बीत जाता है, फिर चिड़िया को कालू कौवे की माँ अपने घर बुलाती है। चिड़िया, आओ बेटी, अब तुम ही मेरे लिए कोई बहू ढूंढ दो। मेरे बेटे की तो उम्र निकलती जा रही है। मैंने बहुत कोशिश करी कि कोई कौवी मिल जाए तो मैं अपने बेटे की शादी करूं, पर मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। अब मेरी उम्र भी हो गई है, मैं कहाँ कौवी को ढूंढती फिरूं? अब तेरे ही भरोसे मैं हूँ। अगर तेरी नज़र में कोई कौवी हो तो मुझे बताना। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे के लिए कोई कवि जरूर ढूंढूंगी। मैं अपने मायके वाले जंगल जाती हूँ, अगर वहाँ पर कोई अच्छी कवि हुई तो मैं कालू भैया के लिए जरूर बता दूंगी। ऐसा कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर अगला दिन हो जाता है, चिड़िया फिर से कालू कौवे के घर आती है। माँ जी, मैं अपने मायके वाले जंगल गई थी, वहाँ पर मुझे एक कौवे मिली, लेकिन उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके माता पिता जंगल में बाढ़ में बह गए थे, इसलिए वह अकेले ही रहती है। लेकिन कौवी बहुत अच्छी है, अगर आप कहो तो मैं उसके साथ कालू भैया की शादी के लिए बात करती हूँ। हाँ बेटी, क्यों नहीं, तुम उस कौवी से बात करो, अगर वो राजी हो तो मैं अपने बेटे की शादी इसके साथ जरूर करूंगी। फिर अगले दिन चिड़िया कालू कौवे को लेकर उस कौवे के पास जाती है। देख लो कालू भैया, यही है वो कौवी। तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गोरी कवि है, गोरी कवि कहते हैं मुझे सब। अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। और तुम क्या क्या कर लेती हो? मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, इसलिए उनको ऐसी बहू चाहिए जो सारे काम कर लेती हो। मुझे सब कुछ आता है, खाना बनाना, दाना लाना, घर बनाना, सब कुछ आता है। और आपको कैसी पत्नी चाहिए, आपने नहीं बताया। गोरी कवि कैसा कहते ही कालू कौवा शर्मा कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। फिर चिड़िया उसके पास जाती है। कालू भैया, आपको कवि कैसी लगी? क्या आपको कवि पसंद है? मैं ये रिश्ता पक्का कर दूं। हाँ चिड़िया, मुझे ये कौवी बहुत पसंद है, मैं इससे ही शादी करूंगा, ये तो बहुत सुंदर भी है। चिड़िया शादी की बात कौवे से पक्की कर देती है। फिर वह घर आकर कालू कौवे की माँ को सब बता देती है। कालू की माँ तो बहुत खुश थी। जंगल के सारे पक्षी इकट्ठा होते हैं और कालू कौवे और गोरी कौवे की शादी हो जाती है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवे अपने घर आ जाते हैं। आओ बहू, घर में तुम्हारा स्वागत है, अब से ये घर तुम्हारा है। अब तो तुम्हें ही इस घर को संभालना है, सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। कुछ दिन शादी के बीत जाते हैं। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि गोरी कौवी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। गोरी बहू, उठ जा बेटा,
घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर ले। घर कितना गंदा पड़ा है, और खाना भी बना ले। कालू अभी आता ही होगा, इतनी देर तक सोना अच्छी बात नहीं है। माँ जी, आप मुझे परेशान ना करें। मेरा जब तक मन करेगा मैं तब तक लेटी रहूंगी। आप जाकर खुद ही क्यों काम नहीं कर लेती? आप भी तो बैठी ही हैं, आप तो सुबह ही उठ गई थी। आप भी थोड़ा काम कर लिया करें, वरना आपके हाथ पैर सब जम जाएंगे। ठीक है बहू, आज तुम आराम कर लो, मैं जाकर काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवे की माँ किचन आकर खाना बनाने लगती है। फिर तभी गोरी कौवी कालू कौवे को आता देख लेती है। फिर वह जल्दी से किचन में पहुँच जाती है। माँ जी, आप जाकर आराम कर लो, आप थक गई होंगी सुबह से काम जो कर रही हैं। अब मैं खाना बना लेती हूँ। फिर कालू कौवा आ जाता है। फिर गोरी कौवी खाना लेकर कालू कौवे के पास पहुँचती है। गोरी, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल मेरी माँ के हाथ के जैसा स्वाद लग रहा है। हाँ कालू जी, क्योंकि मैंने माँ जी से आपके पसंद का खाना बनाना सीख लिया है। पूरा दिन मैं आपके लिए कुछ बनाने में ही लगी रहती हूँ। हाँ गोरी, मुझे पता है तुम बहुत काम करती हो। माँ कहाँ है? माँ जी तो अपने कमरे में आराम कर रही हैं, और इस उम्र में क्या करेंगी, आराम ही करेंगी। फिर अगली सुबह हो जाती है। गोरी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, आपके लिए खुशखबरी है, मैं पेट से हूँ, हमारा अंडा आने वाला है। गोरी, ये तो बहुत खुशी की बात है, अब तुम ज्यादा काम मत करना, बाहर का काम सारा मैं कर लूंगा, तुम आराम करना। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने काम के लिए चला जाता है। फिर गोरी कौवी अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप जाकर के खाना बना लो, अब मैं आराम करूंगी। मैं बाहर जाकर थोड़ी देर धूप में बैठूंगी, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। वैसे भी मेरा अंडा आने वाला है, मुझे अपना ज्यादा ध्यान रखना होगा। पर बहू, इस उम्र में मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है, मैंने भी अंडा दिया था, मैं घर पर रहकर सारे काम करती थी। ज्यादा आराम करने से भी बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, और ऐसे में तो बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बाहर शिकारी पक्षी घूमते हैं, तुम बाहर मत जाओ। माँ जी, आप मुझे ना बताएं मुझे क्या करना है क्या नहीं। मुझे इतनी समझ है कि मुझे क्या करना चाहिए, आपके ज़माने चले गए। ऐसा कहकर गोरी कौवी बाहर जाकर बैठी है। गोरी कौवी थोड़ी देर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर एक चील आ जाता है। गोरी कौवी को देखकर वह गोरी कौवी के पास आ जाता है। अरे वाह, मुझे तो शिकार बाहर ही मिल गया, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अब खाऊंगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। चील, चील भैया मुझे मत खाओ, मैं पेट से हूँ, मैं अंडा देने वाली हूँ, मुझे मत खाओ। अरे वाह, अंडा भी है, बहुत मजा आएगा तब तो खाकर, एक साथ में दो दो भोजन मिलेंगे। कहकर चील गोरी कौवी के ऊपर चढ़ जाता है, और फिर ये देखकर गोरी डर जाती है और गोरी चिल्लाती है, माँ जी, माँ जी, मुझे बचाओ माँ जी, वरना ये चील मुझे खा जाएगा, माँ जी। गोरी कौवी की आवाज सुनकर गोरी की सास अंदर से डंडा लेकर जल्दी से आती है। देखती है कि चील गोरी के ऊपर चढ़ा हुआ है, वह पीछे से चील के ऊपर वार करती है और चील वहीं पर मर जाता है। बहू, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, और तुम्हारा अंडा तो सुरक्षित है ना?
उसकी सास का ऐसा कहना था, तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कालू कौवा चील को देखकर बहुत डर जाता है। गौरी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये चील यहाँ कैसे आ गया? माँ, तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इतना तो ध्यान रख ही सकती थी तुम गौरी का। गौरी को तुम्हें बाहर नहीं आने देना था। आप बैठे बैठे इतना तो कर ही सकती हैं, अगर कुछ हो जाता तो। कालू जी, आप माँ जी को कुछ ना कहें, बल्कि आज माँ जी ने ही मेरी जान बचाई है, वरना चील तो मुझे और मेरे बच्चे को खा ही गया होता। ना मैं जिंदा होती, ना हमारा बच्चा। मैंने माँ जी के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आप तो कितनी अच्छी हैं। बहू, कोई बात नहीं बेटा, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। गौरी कौवी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर उनसे गले से लिपटकर रोने लगती है। फिर सभी अच्छे से रहने लगते हैं।